सीआरपीएफ कैसे बनी, पहले हम जान लेते हैं सीआरपीएफ के बारे में। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होती है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहती है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ये इंडिया का सबसे बड़ी सेंट्रल पुलिस फोर्स है। सीआरपीएफ भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है और इनका जो काम होती है देश का सुरक्षा करना और कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना इनका पहला काम होती है। और सीआरपीएफ भारत सरकार का गृह मंत्रालय के तहत काम करता है और इनका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। सीआरपीएफ का स्थापना 27 जुलाई में 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव की पुलिस के रूप में की गई थी। आज़ादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ उनके केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। पहले जान लेते हैं सीआरपीएफ बनने के लिए सीआरपीएफ का कौन सा पोस्ट रहती है। पहला जो पोस्ट रहती है वो हम छोटे से शुरुआत करता हूँ, कांस्टेबल रहती है, उसके बाद हेड कांस्टेबल रहती है, उसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रहती है, सब इंस्पेक्टर रहती है और असिस्टेंट कमांडेंट रहती है। असिस्टेंट कमांडेंट जो है, असिस्टेंट कमांडो बनने के लिए आपको यूपीएससी एग्ज़ाम देना होगा। मैं उनके बारे में आज बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल बनने के लिए जो क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन सारे कुछ है उन सारी के बारे में हम आज बात करता हूँ। उसके बाद हम जान लेते हैं एग्ज़ाम का स्टेप, कौन कौन सा स्टेप रहती है एग्ज़ाम में। पहले आपको रिटन एग्ज़ाम देना होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, इंटरव्यू होगा। इन सारे क्राइटेरिया को पूरी करने के बाद ही आप एक सीआरपीएफ ऑफिसर बनोगे। तो उसके बाद हम जान लेते हैं एडुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए कांस्टेबल के लिए वो 10th पास होना चाहिए, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। और इनका जो एज रहती है 18 to 25 ईयर्स होना चाहिए जनरल के लिए, और SC ST OBC इन सारी जातियों के लिए बहुत ज़्यादा एज का छूट मिलती है, 30% शायद इस तरफ का होगा। और मेल का जो हाइट रहती है वो 170 सेमी होना चाहिए, जो हाइट मिनिमम हाइट जो होना चाहिए, और फीमेल के लिए 157 सेमी होना चाहिए, और आपका जो छाती होना चाहिए 77 सेमी होना चाहिए। और कांस्टेबल के लिए पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद रिटेन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। और फिजिकल टेस्ट में आपको 100 मीटर का दौड़ देना होगा जो 16 सेकंड में आपको पूरी करना है, और महिला के लिए 18 सेकंड में आपको पूरी करना है 100 मीटर का ये दौड़। उसके बाद लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, इन सारे को पूरी करना होगा। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम के लिए जो कांस्टेबल का रहती है उसके लिए आपको 100 मार्क का क्वेश्चन मिलती है, जो 100 अंक का होता है, और ये MCQ क्वेश्चन होती है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। लिखित परीक्षा में केवल एक ही पेपर होती है जो 100 अंक का होती है और 100 प्रश्न रहती है, और ये जो प्रश्न रहती है वो GK यानी कि जनरल नॉलेज से रहती है, जनरल इंटेलिजेंस से रहती है, मैथ से रहती है, हिंदी से रहती है, करंट अफेयर से रहती है, इन सारी में क्वेश्चन आपका रहती है। इन सारे रिटेन फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के बाद ही आप CRPF में ज्वाइन हो पाओगे। और इनका सैलरी के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। सैलरी जो इनका मिनिमम रहती है कांस्टेबल का वो 15,600 रुपया से लेकर 60,600 रुपया पर महीने में एक कांस्टेबल का रहती है, और सब इंस्पेक्टर के लिए 27,900 से लेकर 104,400 पर महीने पर रहती है, और असिस्टेंट कमांडेंट के लिए 46,800 से लेकर 117,300 पर महीने इनका सैलरी रहती है, हाईएस्ट सैलरी जो असिस्टेंट कमांडेंट के होती है। अगर थोड़ा बहुत वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल बनाया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, और अगला वीडियो किसके बारे में देखना चाहते हो इसके बारे में आप कमेंट में जरूर कर सकते हो।